हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है आने वाला है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे हर वीडियो के अंदर मोस्टली कमेंट करते ही हैं कि हमें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती और हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जब भी इनिशियली आप स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग इंग्लिश, तब आपको बहुत बड़े सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती। छोटे छोटे से सेंटेंस जो आपको डेली लाइफ में आपके यूज़ आते हैं उनसे आप शुरू कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ईजी होगा उन सेंटेंस से शुरू करना जो आपको बोलने के लिए भी ईजी हो और जिनसे आप बोल रहे हैं उन्हें भी आपको देख करके ये ना लगे इसको तो कुछ भी नहीं आता और ये देखो एक दो लाइन सीख करके ऐसे झाड़ रहा है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इनिशियली जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। फर्स्ट वन है हमारा, मैं कहता हूं, आई से, मैंने कहा था, आई सेड, मैंने कहा था कि पानी ले आना, आई सेड पानी ले आना, इतना आप बोल सकते हैं, इतना भी चलेगा। मैं कहूंगा आई विल से, कितनी गर्मी है, इट्स सो हॉट, कितनी गर्मी है, इट्स सो हॉट, इसको आप आजकल टाइम चल रहा है इतना ज़्यादा गर्मी का, वहाँ पर भी आप उसे बोल सकते हैं। कितने बजे हैं या क्या टाइम है, उसके लिए आप बोल सकते हैं सिंपली एट व्हाट टाइम, कितने बजे हैं या क्या टाइम है, एट व्हाट टाइम। इसी तरीके के बहुत ही छोटे छोटे से सेंटेंस मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जिन्हें आप इजीली बोल करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप में कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं। सीधे होकर बैठो, हमारे घर में कोई भी टेढ़ा मेढ़ा बैठा है या कुछ भी है, सीधे होकर बैठो, ऐसे बोलते हैं ना, सीधे से बैठो, ठीक से बैठो, यानी कि सिटअप स्ट्रेट, सिटअप स्ट्रेट, उठ कर बैठो यानी कि सिट अप, अगर कोई लेटा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा लेटा हुआ है तो सिटअप यानी कि उठ कर बैठो। ध्यान से देखो, बहुत बार कोई भी चीज़ हमें दिखानी है, कोई ध्यान से नहीं देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, अपने फ़ोन में ध्यान दे रहा है, किसी और चीज़ में ध्यान दे रहा है, हम क्या बोलेंगे वहाँ पर, वॉच केयरफुली, यानी कि ध्यान से देखो, वॉच केयरफुली। नेक्स्ट है मुझे एक दे दो या मुझे एक मौका दो, सॉरी मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस, यानी कि मुझे एक मौका दो। ये जो मैं सेंटेंस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ इनको ट्राई कीजिए और आप खुद से देखेंगे कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, यानी कि मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस। उसे मेरे पास भेजो, ये भी हम बोलते हैं ना कि किसी को आपके पास बुलाना है तो उसे मेरे पास भेजो, सेंड हिम टू मी, सेंड हिम टू मी, क्या सही है, व्हाट इज राइट, क्या सही है, व्हाट इज राइट, मेरा यकीन करो, बिलीव मी, मैं भी आपसे यही चीज़ कह रही हूँ, बिलीव मी। जब आप इस तरीके के सेंटेंस को बोलना शुरू करेंगे आप खुद से देखेंगे कि आप खुद से इम्प्रूव कर रहे हैं और धीरे धीरे जब बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग हमें छोटे छोटे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, मैं पता लगा लूँगा, आई विल फाइंड इट, जिसे कहते हैं ना कि तुम ये काम कर लोगे, हाँ हाँ मैं उस चीज़ के बारे में पता लगा लूँगा, यानी कि आई विल फाइंड इट। वह मक्कार है, आपका कोई फ्रेंड है जो थोड़ा सा है ना बेकार टाइप का सा, तो हम उसको बोल सकते हैं ही इज स्लीकर, ही इज स्लीकर, ठीक है, वह मक्कार है। मैंने कब कहा, कभी कभी कोई किसी बात होती ना कि तुमने ये कहा था, अरे मैंने कब कहा, व्हेन डिड आई से, मैंने कब कहा, व्हेन डिड आई से, है ना, इस तरीके सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं। हद हो गई, कई बार बोलते हैं इस वाले वर्ड को भी हम, बहुत ज़्यादा यूज होता है, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, इस तरीके से भी आप इसे बोल सकते हैं। जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस, जाहिर सी बात नहीं, मतलब कहते ना ये तो होना ही था यार, ऐसा तो होना ही था, यानी कि इट्स ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियस। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो भी इसी तरीके का है, कुछ काम कर लो, डू सम वर्क, कोई फालतू बैठा हुआ है वहीं, तो आप बोल सकते हैं ना उससे आराम से, डू सम वर्क, कुछ काम कर लो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो भी इसी तरीके से आप बोल सकते हैं। जितने भी सेंटेंस मैंने शेयर किया, आई होप इसमें से कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी, वो घर पर नहीं है, ही इज़ नॉट एट होम, इन होम नहीं आएगा, यहाँ पर एट होम आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ही इज़ नॉट एट होम या शी इज़ एट नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है लेडी के लिए, वह तुम्हें बुला रहा है, ही इज़ कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रहा है, यानी कि ही इज़ कॉलिंग यू। आई होप ये जितने भी सेंटेंसेस आपके काम के रहे होंगे, इनसे आप स्टार्ट कीजिए अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को इम्प्रूव कर।